और अगर इससे ज्यादा लोड आपने Z900 मार्केट में कहीं देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने तो नहीं देखी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हैं आप सब? मैं और यश आ चुके हैं आज अपनी बाइक का रिव्यू करने। आपने आज से पहले मेरे को बहुत सारी बाइक्स का रिव्यू करते देखा होगा, सुपर बाइक्स का रिव्यू करते देखा होगा, बहुत सारी बाइक्स चलाते हुए देखा होगा, बट आज वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो हमारी बाइक है बम्बलबी, मैंने रिसेंटली इसमें टायर्स और हेडर्स वगैरह का काम करवाया था। सो मैंने जब हिसाब करा ना, तो जो हिसाब बना, मैं कहा यार ये तो वीडियो में ज़रूर आना चाहिए। सो आज की वीडियो में मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि भाई मैंने इस बाइक में कहां से सारा आइटम डलवाया और कितना मेरे को कॉस्ट करा। इस बाइक को मैंने लिया था 10 मार्च 2022। 6,500 किलोमीटर में इस बाइक पे क्लॉक कर चुका हूं। मेरी फर्स्ट सुपर बाइक है। इससे पहले मेरे पास जो बाइक थी वो थी होंडा लीवो। जब मैं फर्स्ट जॉब मैंने शुरू करी तब मैंने उसको लिया था, और ये बाइक मैंने जब तक ली जब तक मेरी जॉब वगैरह सब कुछ छूट चुकी थी। सो बहुत सारे इमोशन जुड़े हैं इस बाइक के साथ, बहुत बड़ा डिसीजन था ये बाइक लेने का। सो मार्च 10 को इस बाइक को 1 साल हो जाएगा, एंड डे 1 से ही मैंने प्लान करा हुआ था कि इस बाइक को मैं इतना लोड करूँगा जितना मेरा बजट अलाउ करेगा। धीरे धीरे आज भी पूरे पूरे पैसे नहीं बचते, धीरे धीरे करके कहीं से पैसे आते हैं तो पूरे के पूरे इसमें डालता हूँ। मतलब ये लगा लो पूरा का पूरा रिस्क पे चलने वाला बंदा हूँ मैं, तो काफ़ी सारा पैसा इसमें मैं लगा चुका हूँ। एंड इस बाइक का नाम मैंने रखा था बम्बलबी। बम्बलबी क्यों रखा था? सो जो इसकी हेडलाइट्स है ना, यहाँ तक आपको डिटेल में बताएंगे, बाकी इन हेडलाइट्स की जो लुक है ना थोड़ी थोड़ी बम्बलबी जैसी है। सो दैट्स वाई मैंने इस बाइक का नाम रखा था बम्बलबी। एंड अब शुरू करते हैं और दिखाता हूँ बाइक में मैंने क्या क्या लगवा रखा है और कितने लाख की ये मॉडिफिकेशन अब तक मेरे को कॉस्ट करी है। अब तक वैसे मेरे को भी पूरा हिसाब नहीं है, 2-4 चीज़ें मैं भूल गया था, अभी मैंने फ़ोन करके कन्फर्म करा भाई उस टाइम पर ये चीज़ ली थी तेरे से कितने की बड़ी थी। सो शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ अब तक मेरे कितने पैसे इस बाइक में लग चुके हैं। तो जी एक एक चीज़ का प्राइस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता जाएगा, कैलकुलेट करके कमेंट जरूर करना क्योंकि मेरे को भी आइडिया हो जाए ना भैया। सो सबसे आगे से हम शुरुआत करें सेफ्टी के लिए। मैंने इसमें लगवाया था फोक प्रोटेक्टर, ये मैंने MKR ब्रांड का लगवाया था। इसकी कॉस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। इसका काम क्या होता है, अगर आपकी बाइक गिरती है तो आपके फोक को बचाते हैं ये लीक होने से और डैमेज होने से। अगर हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो मैंने शॉकर सॉक्स भी लगवा रखी है। जैसे आप सबको पता है सुपर बाइक के शॉकर्स ना बहुत जल्दी लीक होते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि ऊपर डस्ट जाता है और ये हो जाते हैं लीक। तो शॉकर सॉक्स क्या करता है, आपके शॉकर को लीक होने से बचाता है। और पीछे मैंने लगाई हुई है रेडिएटर ग्रिल, जो कि है इवोटेक ब्रांड की। प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसका काम क्या होता है कि रोड पे अगर आपकी बाइक चलती है तो फ्रंट टायर से उछल के अगर पत्थर आपके रेडिएटर पे लगते हैं तो वो जाता है टूट, सो उससे आपकी बाइक को बचा। एंड बाइक ना अभी काफ़ी गंदी हो रखी है तो भैया माफ़ कर देना, धुलाई का टाइम नहीं मिला। एंड इस बाइक की सबसे मेन चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी है, सो यश एक बार बाइक स्टार्ट करना भाई, बस यहाँ से ऑफ कर दे एक सेकेंड, दैट्स इट, चाबी ऑफ मत करियो। सो जी मेन डीपर मारना यश एक बार। ये है KT की हेडलाइट्स। बहुत टाइम सोचा था मैंने, उस टाइम में ना पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, बहुत टाइम मैंने सोचा था कि इस चीज़ को मैं अपनी बाइक में लगवाऊँ या ना लगवाऊँ। फाइनल डिसीजन आप लोगों ने कमेंट में मेरे को हेल्प करा कि भाई लगवा लो, गो फॉर इट। और प्राउडली इंडिया की फर्स्ट बाइक जिसमें हेडलाइट इंस्टॉल हुई थी। लोग पता नहीं क्यों हॉर्न बजाते हैं। सो KT की ये हेडलाइट्स हैं। नॉर्मल स्टॉक लाइट से ना ये 200 गुना ज़्यादा ब्राइट होती है, ऐसे कंपनी क्लेम करती है, कोई बात नहीं। इसमें 2 प्रोजेक्टर्स आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और नीचे हमें देखने को मिलते हैं DRL। रात में बहुत सुंदर लगती है यार, मतलब रात में ना प्रॉपर बम्बलबी लगती है। इसके प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो 55,000 रुपये मेरे को कोट करी थी। एंड सच्ची बता रहा हूँ उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि इसको मैं लगवाऊँ या ना लगवाऊँ। डेली का मेरा यही चल रहा था, बट मैं कहा यार एक ही बाइक है, एक ही ज़िंदगी है, सो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो छोटा सा रिस्क लिया था और इतनी प्यारी लगी थी, सब ने पसंद करी थी। आज तक मेरे को किसी एक बंदे ने भी नहीं ये बोला कि भाई ये हेडलाइट देख के मेरे को मज़ा नहीं आया। 900 ना अब लगती है Z1000 जैसी। अगर हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो काफ़ी लोगों के ना क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप मिरर्स कौन से लगा रखे हैं आपने बाइक में। सो इन मिरर्स को कहते हैं हाई साइडर के, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये थोड़ा बहुत मेरी पार्किंग में जब घुसती है तो थोड़ा बहुत लग गया था। सो यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, हाई स्पीड पे भी थोड़ा बहुत भी नहीं हिलता। काफ़ी सारे लोग ना चाइनीज़ डाल देते हैं मिरर्स, बट यार मिरर ना जब हिलता है तो मज़ा नहीं आता देखने में, विजिबिलिटी आपकी काफ़ी ख़राब होती है। और कई बार क्या करते हैं लोग, इनको ना नीचे की तरफ लगवा देते हैं, उसमें भी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं आती। सो मैंने मिरर्स को कुछ ऐसे लगवाया हुआ है, और अगर इनकी कॉस्टिंग की बात कर ली जाए तो वो आपको स्क्रीन
पे देखने को मिल जाएगी। आपको वर्थ लगे या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इससे ज़्यादा लोडेड आपने Z900 देखी है या नहीं देखी न्यू शेप की। मैंने तो नहीं देखी अभी, इसमें परफॉर्मेंस वाले मैंने धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं मोड्स, जैसे कि आपको पता है मैंने इसमें फुल सिस्टम हेडर्स डाल दिए हैं टाइटेनियम के। नेक्स्ट इसमें डलेगा क्विक शिफ्टर और ऑटो फ्लिपर। एंड वापस चलते हैं बाइक के पार्ट्स पे। सो इवोटेक का ये है फ्रेम स्लाइडर, आपकी बाइक गिरती है तो इस पे आ जाती है। एंड अगर हम नीचे आएँ सो GV रेसिंग के इंजन प्रोटेक्टर भी इस पे लगवा रखे हैं, ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर आएँ तो वन डिज़ाइन की इसमें लगी हुई है टैंक ग्रिप। ये काम क्या करती है, आपकी बाइक जब चलती है तो जीन्स वगैरह से ना स्क्रैचेस आ जाते हैं, सो काफ़ी हद तक आपके स्क्रैचेस बच जाते हैं और आपको एक मिलती है अच्छी ग्रिप। इसका काम आपको पता ही है कि अगर बाइक गिरती है तो इंजन पे जो स्क्रैचेस आते हैं वो बच जाते हैं और सारा का सारा वेट आ जाता है इस पे और आपका इंजन जाता है बच और रहता है बिल्कुल सेफ, और ये आपकी बचाता है फ्रेम को। सो इसमें ना मैंने मोटोग्राफिक्स का टैंक पैड भी लगवा रखा है। ये वैसे ना अभी उल्टा लगा हुआ है क्योंकि ये मैंने खुद लगाया था कि ये बाइक गई थी PPF के लिए, उन्होंने उतारा था। सो मेरे को कीड़े थे, मैं कहा यार मैं वेट नहीं करूँगा, और जाके मैंने इसे खुद ही के खुद ही लगा दिया था, सही से लग नहीं पाया था और ये लग गया था मेरे से उल्टा। हमें भी दौड़ना चाहिए भाई, ज़िंदगी बहुत दौड़ाती है। तो इसमें जो सीट है ना वो मेरी सबसे प्यारी राज दुलारी है, क्योंकि ब्रांडिंग मतलब नाम ठप्पा लगा हुआ है इस पे हमारा, वेंडेटा ब्रांड है जहाँ से मैंने ये सीट ऑर्डर करी थी। ये वैसे सेकंड सीट है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ना मैंने मंगाई थी एलकेंटारा और आई थिंक कार्बन में, बट हो क्या रहा था वो ना पानी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही थी, मेरी गलती थी। उस टाइम पे मैंने बोला था मैं भाई मेरे को वही मटेरियल में चाहिए, बट अब जो मैंने मटेरियल इसमें लगवा रखा है आपको स्क्रीन पे पता चल जाएगा क्या है, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक है। एक्स्ट्रा कुशनिंग भी करवा रखी है मैंने इसमें फ्रंट में और पिलियन में, अगर आप भी चाहो तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। अब तक ऐसी सुंदर आपने सीट देखी या नहीं देखी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज आपको बहुत सारे कमेंट करने पड़ेंगे भाई, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको भी बात करनी पड़ेगी कमेंट सेक्शन में। और अगर हम पीछे आएँ तो इसमें लगी हुई है टेल टाइडी, ये भी MKR ब्रांड की है, इसका प्राइसिंग भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। और ये नंबर की कॉस्ट भाई धीरे धीरे करके चीज़ें पता चल रही हैं, तो ये 2400 नंबर मैंने लिया था, क्लोज टू मेरे को पड़ा था 4-5 हज़ार का, ज़्यादा सस्ता पड़ गया था क्योंकि बाइक्स के नंबर सस्ते आते हैं, गाड़ियों के नंबर काफ़ी महंगे आते हैं, और जो नेक्स्ट बाइक लेंगे उसका नंबर बहुत बढ़िया होने वाला है। एंड मैंने अभी रिसेंटली इसमें टायर डलवाए हैं, सो ये अपोलो के टायर्स हैं, क्लोज टू 30,000 के बड़े थे, स्टॉक 180 साइज था, मैंने साइज भी थोड़ा सा इसमें अप करा, तो ये 190 साइज का मैंने टायर इसमें अपग्रेड करा है। अभी वैसे इस बाइक को ना मैं 50-100 किलोमीटर चला चुका हूँ, ग्रिपिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, एंड मैंने ना सच में काफ़ी सारे लोगों से फीडबैक लिए थे जो ये टायर यूज़ कर रहे थे, तो उन्होंने सजेस्ट करा कि भाई गो फॉर इट, सो मैंने अपनी बाइक में लगवा लिए ये टायर्स। एंड जी बात करते हैं हमारे साउंड सिस्टम पे, सो इसमें लगा हुआ है एक्रा का टाइटेनियम, अभी तक मैंने और किसी Z900 में नहीं देखा, तूने देखा क्या? किसी ने नहीं देखा होगा। टाइटेनियम हेडर्स भी मैंने इसमें डाले हुए हैं, कलर्स अच्छा खासा आ चुका है, कितना ही प्यारा लग रहा है, जस्ट वाओ। ठंडा होगा भाई, ये देखो टाइटेनियम हेडर्स की खास बात यही होती है, अभी बाइक चला के आया हूँ, जस्ट मैंने अभी व्लॉग शुरू ही किया है, हेडर्स हो चुके हैं ठंडे, ये फायदा होता है टाइटेनियम हेडर्स का, कलर भी जल्दी लेते हैं और रंग तो बदलते बदलते हैं और ज़्यादा गर्मी नहीं फैलाते और जल्दी जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अब तक का जो बाइक में सबसे ज़्यादा महंगा मोटा खर्चा हुआ है ना वो गए इन हेडर्स में, 1,10,000 रुपये के ये हेडर्स थे। सो जी हेडर्स मेन लगवाने का रीज़न आपकी बाइक हो जाती है लाइट वेट और सुंदर भी दिखती है और आपको मिलती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। मैंने अब तक कोई भी और BS6 900 नहीं देखी जिसके अंदर टाइटेनियम के हेडर्स डले हों। चाइनीज़ हेडर्स भी आते हैं जो सेम ऐसे कलर के होते हैं, बट वो होते हैं चाइनीज़ SS के। एंड ये जो एग्जॉस्ट है, सो मैंने जैसे आप सबको पता है मैंने इसमें नया एग्जॉस्ट डाला था, एक्सेल का मैंने शॉर्ट वाला एग्जॉस्ट डाला था IBW के लिए, बट IBW जाने में अभी नाना करते फिर भी 10-12 दिन है, तो मैंने उस एग्जॉस्ट को ना उतार दिया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लाउड हो गया था। और मैं ना वैसा बंदा हूँ नहीं कि पुलिस वालों से डर के चलाऊँ, मतलब डर डर के चलाने वाला बंदा मैं हूँ नहीं, सो मैंने वापस से अपना ये एग्जॉस्ट लगवा लिया। इसकी आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा, काफ़ी बेस वाली आवाज़ है, उस वाले एग्जॉस्ट की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड थी, अगर आपको शोर शराबा करना है ना भाई तो उससे बढ़िया कोई एग्जॉस्ट नहीं है, और अगर आपको चाहिए बेस सुपर बाइक वाली प्रॉपर फील चाहिए तो इस एग्जॉस्ट से बढ़िया और कुछ नहीं है। मैं इस एग्जॉस्ट का सच्ची में हूँ दीवाना। एंड परफॉर्मेंस के लिए मैंने इसमें ना कैनन का एयर फिल्टर भी डाला हुआ है जो मेरे को पड़ा था, कॉस्ट करा था क्लोज टू 7,500। अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूं तो 90,000 का एग्जॉस्ट था, आज के टाइम पे 1,00,000 प्लस का ये एग्जॉस्ट है और 1,10,000 के हेडर, 2,00,000 का साउंड सिस्टम इस बाइक में लगा।
सो जी देखो, ना तो मैं हूँ करोड़पति, ठीक है, ना मैं कमाता महीने के 10-10 लाख। ये बाइक जिस टाइम पे मैंने ली थी, कंपनी से भी लोन लिया था और डाउन पेमेंट भी मैंने लोन लेके ही चुकाई थी। मैंने अपने फ्रेंड से उधारी ली थी कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है। टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है। अंदर से ना हौसला होना बहुत ज़रूरी है कि भाई कोई बात नहीं, मैं पैसे ले रहा हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं पैसा उतार भी दूंगा। सो टाइम लगा, धीरे धीरे चीज़ें हुई। देखो जी, जब तक जिस चीज़ का टाइम नहीं आता वो चीज़ नहीं होती। मैं इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। मेरे को बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी यार। मतलब जिस टाइम पे मैंने बाइक बुक भी करी थी ना, उस टाइम पे मेरे को ये लग रहा था कि यार मैं नहीं ले पाऊँगा, अंदर से कि भाई ये बाइक रिजेक्ट हो जाएगी, मेरा लोन रिजेक्ट हो जाएगा, मेरे पास EMI देने के पैसे होंगे या नहीं होंगे। और शुरुआत में मेरे साथ हुआ भी, जो शुरुआती महीने थे ना, EMI तक देने के मेरे पास पैसे नहीं थे। बट मैंने रखी हिम्मत खुद पे और धीरे 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 करके सब कुछ अच्छा हो गया। एक बारी को लोन वगैरह जब सब कुछ क्लियर हुआ, जो उधारी ली थी इस बाइक को लेने के लिए वो सब क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने इसमें अपग्रेड चालू करी। मतलब दिल से अपग्रेड करी एक एक चीज़। मैं जाता था मासूम भाई के पास हर बार करोड़ का, मैं पूछता था, मैं कहा भाई इस बार कुछ नया है जो हम अपनी बम्बलबी में डाल पाए। स्पेशल थैंक्स मासूम भाई का, मैं सच्ची कह रहा हूँ। इस बाइक में जितनी भी चीज़ें लगी है ना, जितनी भी आफ्टर मार्केट चीज़ डली हैं, वो मेरी बाइक में डली हैं मोटो विंग स्टोर से, कमल भैया और मासूम भाई। मेरे पास ना पैसे नहीं होते थे ना, मैं उधारी करके आया था, मैंने कहा भैया ले लेना यार, अभी पैसे नहीं है, बस मेरी बाइक में चीज़ डाल दो। सो ये भी हुआ है। एंड फाइनली बहुत अच्छा लगता है यार जब आपकी बाइक में सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी इस मेरा भी एक चीज़ है जो मैंने अब तक बताई नहीं थी, इस बाइक पे ना PPF भी हो रहा है जी, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म भी लगी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने आज तक इसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। सो ये ड्रैगन PPF है हमारे सौरभ सर का, डिटेलिंग डेविल्स का, एंड मैं अभी इस PPF की कर रहा हूँ टेस्टिंग। जैसे ही टेस्टिंग अप्रूव हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा धमाकेदार वाली वीडियो आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाइक इतनी गर्म होती है, PPF आपका उतर तो नहीं रहा, आपके पेंट को हार्म नहीं कर रहा, तो एक एक चीज़ करके हम चेक कर रहे हैं अभी इसके ऊपर। तो जी, अगर आप वैसे PPF या डिटेलिंग वगैरह कुछ भी करवाना चाहते हैं, अपनी बाइक को पैम्पर करना चाहते हैं, तो डिटेलिंग डेविल्स जिंदाबाद। मेरे नाम लेके जाओगे तो भाई अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ये मेरी पक्की वाली बात रही। सो अब आपको थोड़ी बहुत आवाज़ सुना देते हैं और एंड करते हैं इस ब्लॉग को। बाकी एक छोटी सी बात बोलूँगा, सपने देखो, बहुत बड़े देखो, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए जितनी आप मेहनत कर सकते हो उससे भी ज़्यादा ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ अचीव होगी। कई बार ये भी होगा कि चीज़ नहीं आ पा रही, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन हौसला बिल्कुल नहीं हारना। आपको ना अपने लिए करना है, आपके लिए और कोई नहीं करेगा, ये चीज़ हर बार और हमेशा ध्यान रखना। वैसे गाइस, इसमें ना मैंने टेम्पर्ड ग्लास भी लगवा रखा है, फ्री का पड़ा था लेकिन लगवा रखा है। तो जी, स्पेशल थैंक्स आपका, आप सबका, आप सबने सब मेरे को सपोर्ट करा, मेरे इंस्टा पे सपोर्ट करा, मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स आए और मैंने अचीव कर ली अपनी Z900। लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे गया था, बहुत बार लाइफ ने नीचे खींचा, बहुत बार लोगों ने, लेकिन खींचने नहीं दिया। खुद पे बिलीव रखोगे ना तो भाई लोग सब कुछ पॉसिबल है। क्लियर बोलूँगा, मैं ले सकता हूँ तो कोई भी ले सकता है भाई, कोई भी ले सकता है। मैंने सब कुछ जीरो से शुरू किया है। मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी, जो मेरी फर्स्ट बाइक थी, मेरी 4,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी, उस टाइम पे मैंने होंडा लीवो ले ली थी जिसकी 3500 रुपये EMI जाती थी। मैं ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हो और कोई भी ले सकता है, बस आपको करनी है मेहनत। लाइफ में अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा, जिनके साथ आप हो वो आपके हैं या नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी, लेकिन आपका काम आपका भगवान होना चाहिए। आप अपने काम पे ध्यान दो, लाइफ में बहुत लोग आपका बुरा बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। जैसे एक कमेंट सेक्शन बॉक्स है हमारा है, उसमें कई लोग अच्छा कमेंट करते हैं, कई लोग बुरा कमेंट करते हैं। अगर 99.9% अच्छे कमेंट आ रहे हैं तो उन पे ध्यान देंगे, हम बुरे कमेंट्स पे नहीं देंगे। इसलिए लाइफ में से नेगेटिव सारी चीज़ें हटा दो, मेहनत करो, दब के वीरे दब के, तुम ही करना है भाई, अपने खानदान का पहला करोड़पति भाई तुम्हें ही बनना है। मेरा भी बस यही ड्रीम है कि अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करनी, और पीछे कौन पड़ गई,
भाई 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 लाइफ में देखो जी, सुपर 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 मेहनत करनी है, ये मेरा ड्रीम है लाइफ में, धीरे धीरे करके सब कुछ अचीव करना है, जो सपने देखे हैं वो खुद के लिए देखे हैं और खुद को ही पूरे करने हैं। सो इस थॉट से आप भी चलोगे तो आप भी सब कुछ कर लोगे। क्या आवाज है भाई। सो इस बाइक का प्राइस आज के टाइम पे कावासाकी छतरपुर से जो मैंने लिया है वो है 10,17,000 रुपये। एंड ये प्राइस इसका दिल्ली में है ऑन रोड। और अगर मैं बोलूँ जो एक छोटी सी चीज़ मैं और भूल गया था जो मैंने इस बाइक पे और डाला है, वो मैंने इस बाइक का ना RSA भी ले रखा है, वो मेरे को कॉस्ट करा था क्लोज टू 8,000 रुपये, मतलब एग्जैक्टली 8,000 रुपये मेरे को कॉस्ट करा था वो 2 साल के लिए। सो वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्यों भैया सुपर बाइक्स हैं, कहीं भी खड़ी नहीं कर सकते ना, तो कहीं कल को इशू आ जाए तो RSA आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में मैं इसमें और क्या क्या अपग्रेड करने वाला हूँ, आप भी मुझे बता सकते हैं कि मुझे इसमें और क्या क्या अपग्रेड करना चाहिए। मेरा प्यार है भाई, जो बोलोगे धीरे धीरे करके ट्राई करेंगे भाई करने का, ठीक है, धीरे धीरे करके सब कुछ, मतलब इसको इतना लोड कर दूंगा कि मज़ा आ जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा लोडेड आपने Z900 मार्केट में कहीं देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो नहीं देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन एक बस वाले ने पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है बाऊ जी, कहीं भी रोकते हैं बस स्टैंड आगे था। सो जी होप करता हूँ आपको आज वाला वीडियो लगा होगा अच्छा, और मेरी मेहनत थोड़ी भी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करके जाना, एंड सवालों के जवाब भाई मुझे आपके चाहिए सबके सबके कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन रब रखा, बाय बाय।